ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसे 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पर थोप दिया गया था, जो कि जर्मनी के लिए काफी हार्श और ह्यूमिलेटिंग थी। पर इस ट्रीटी में था क्या? इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को अपनी बहुत सी चीजें फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया को सौंपनी पड़ी, जैसे कि अपनी ओवरसीज कॉलोनीज, अपनी पॉपुलेशन का 1/10, अपनी टेरिटरी का 13%, अपने आयरन का 75% और वहां के कोल का 26% इन देशों को देना पड़ा। जर्मनी को कमजोर करने के लिए अलाइड पावर द्वारा उसे डीमिलिटराइज कर दिया गया था। इसके अलावा आर्टिकल 231 जो रिलेटेड था वॉर गिल्ट क्लॉज से, जिसके तहत जर्मनी रिस्पॉन्सिबल था वॉर और उसमें हुए डैमेज के लिए, जिससे अलाइड पावर को सफर करना पड़ा और इसलिए जर्मनी को फोर्स किया गया कि वो इन सब चीजों के लिए कंपनसेट करे, जिसका अमाउंट था यूरो 6 बिलियन, जिसके लिए अलाइड पावर की आर्मीज ने जर्मनी के उस एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया जो रिसोर्सेज में काफी ज्यादा रिच था। एक्चुअल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार जाने के बाद अलाइड पावर के द्वारा वहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में को भी पूरी तरह चेंज कर दिया।